औरैया के जमोली स्थित भोलेनाथ मंदिर के पुजारी बेचे दास एवं सेवक गोपीचंद प्रधान ने महाशिवरात्रि के पर्व पर गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना शुरू की। वहीं भोले शंकर पर आस्था रखने वाली महिलाओं ने भी भोले शंकर पर जल चढ़ाकर अपनी अपनी मन्नतें मांगी। वहीं पर महिलाओं ने बताया कि इस मंदिर पर जो लोग मन से मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। मंदिर के सेवक गोपीचंद यादव प्रधान, सर्विंद्र यादव, भूरे यादव ने मंदिर पर आने वाले सभी लोगों को भोलेनाथ के प्रिय भांग के इत्र के रूप में गन्ने के रस में मिलाकर सभी लोगों को पिलाया। वहीं पर प्रधान गोपीचंद यादव ने बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है एवं यह व्रत जो लोग रखते हैं उनको सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला होता है एवं महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रमजीवी पत्रकार कल्याण समिति द्वारा औरैया जिला अध्यक्ष अश्विनी वाजपेयी के आदेश पर डॉक्टर अश्विनी सिंह ने भोले शंकर का प्रिय प्रसाद विधुना में वितरण किया। औरैया से जिला संवाददाता एस के यादव की रिपोर्ट। व्रत जो आप लोग रखते हैं इसमें क्या आस्था है आपकी? जो व्यक्ति जो मनोकामना लेके आते हैं सभी की मनोकामना भी पूरी होती है। ये कौन सी जगह पे मंदिर है? ये जमोली। तमाम तरीके के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ, इसलिए श्रद्धालु लोग ज़्यादातर बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। तो हर साल आज के दिन महाशिवरात्रि पे इतनी ही भीड़ होती है? हाँ, इतनी, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा।